तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपेयरिंग कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जिस पर मैंने आपको लेसन वन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। उसी पर ये एक आज न्यू सीरीज लेकर आपके सामने उपलब्ध हुआ हूँ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से सब कुछ समझ में आने वाला है। बस आप वीडियो को अंत तक देखिए। अगर यार आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरी बात, वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए अगर आपको अच्छी लगती है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला भी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको हेडिंग लगा लेना है, मैं क्वेश्चन मान लेता हूँ क्लोरो, पहले मैं इसे लिख लेता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। तो दोस्तों, मैं बता दूं प्रयोगशाला में लैब में इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्या दोस्तों, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड लेते हैं और उसको CuCl या फिर HCl की उपस्थित में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं। ऐसा करने से क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं रिएक्शन करने वाला हूँ और आपको थ्योरी आपको समझा दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का होता है। अब हमें दोस्तों डाइजोनियम क्लोराइड का फार्मूला मालूम है कि C6H5N2Cl होता है। कितना होता है दोस्तों, N2Cl होता है। परंतु अगर हम बेंजीन रिंग में इसे देखें तो ये C6H5 बेंजीन रिंग ले जाती है, जैसे कि ऐसे देखें, ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग। तो ये C6H5 यहाँ चला जाता है, क्योंकि सभी जगह पर यहाँ पर और N2Cl ये ऊपर लगा दिया जाता है। N double bond Cl कर देता हूँ, N2Cl यहाँ पे N2Cl मैं लगा देता हूँ। तो इससे दोस्तों क्या पता चलता है, 5H, यानी कि यहाँ भी एक H लगाया तो इसका एक H निकल गया और इधर कार्बन भी लगे होते हैं। तो सबसे पहले मैं इस बेंजीन रिंग को बना देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बेंजीन रिंग बना देता हूँ किस प्रकार से। आपको इसको सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, मान लेते हैं यहाँ पे सी है, बेंजीन रिंग बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं सी है, फिर इसके बाद यहाँ से हम डबल बॉन्ड लगाएंगे और ये हमारा हो जाएगा सी। इसके बाद यहाँ से सिंगल बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ से फिर हम लगाएंगे डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा सी। इसके बाद यहाँ से हम लगाएंगे सिंगल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा सी। फिर इसके बाद यहाँ से हम लगाएंगे डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा सी। परंतु जो हमारा एच होगा, यहाँ भी एच होगा और यहाँ भी एच होगा, यहाँ भी एच होगा, यहाँ भी एच होगा और यहाँ भी एच होगा और यहाँ भी एच होगा। तो दोस्तों, इससे आपको क्या पता लगा है, इस प्रकार की बेंजीन रिंग होती है। मैं आपको यहाँ से खुल के बेंजीन रिंग दिखा देता हूँ। अब जैसा कि आपको इस प्रकार से आप इस बेंजीन रिंग को बना लेते हैं इस प्रकार से, तो होता क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये क्योंकि यहाँ पर कोनों पर लगे होते हैं तो 6 कार्बन हो गए, तो यहाँ पर 6 कार्बन ले लिए जाते हैं। अब इस H के स्थान पर मैं कुछ लगा देता हूँ जैसे N2Cl, तो ये वाला जो हमारा H होता है निकल जाता है। तो हमारे पास कितने H बचते हैं, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे कर देते हैं H5। अब दोस्तों, अगर हमको, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फाइनली बन रहा है बेंजीन का फार्मूला C6H6 इतना होता है, परंतु अगर हम एक एच यहाँ से हटा देते हैं तो इसको लिख सकते हैं H5 × H। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी बेंजीन रिंग में यहाँ पे लगा होता है, जैसे यहाँ पे OH लगा, ये जो बॉन्डिंग की हुए, तो आप बॉन्डिंग भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे ही आप बॉन्डिंग कर सकते हैं, या फिर दोस्तों बॉन्डिंग ना करना चाहे तो ये भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको या जैसे OH लगा हुआ है, तो इस H के स्थान पर लगा हुआ है ना ये OH, तो यहाँ पर आप OH लगा देंगे। मेरे समझाने का मतलब ये है कि बेंजीन रिंग जो है C6H5 ऑलरेडी बेंजीन रिंग से फार्मूला होता है। जैसे कि मुझे ये वाला फार्मूला C6H5N2Cl को बेंजीन रिंग पर दिखाना है, तो
ये बेंजीन रिंग हो गई, तो यानी C6H5 इस बेंजीन रिंग में हो गया। इसके बाद ये N2Cl बचा, तो N2Cl को मैं इधर लगा दूंगा, जिससे छह के छह एच पूरे हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बेंजीन रिंग आपको बताई वो आपके समझ में आई होगी। यह जो बेंजीन रिंग है, सबसे पहले कलकुले नामक वैज्ञानिक ने इसको बनाया था। अब यहाँ से हम करते हैं प्रयोगशाला विधि, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि पर। तो यहां से मैंने आपको बताया था, जब आप कभी क्लोरोबेंजीन बनाते हैं तो आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेते हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का यदि आपको फार्मूला नहीं पता तो मैं बता देता हूं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5N2Cl। दोस्तों ये होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या होता है दोस्तों? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो अगर मैं इसको बेंजीन रिंग पर दिखाता हूं तो सिंपल सी बात है, मैं ऐसे दिखाऊंगा। दोस्तों ये C6H5 तो इसी में चला गया। अब N2Cl भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा के N डबल बॉन्ड NCl इस प्रकार लिख लेता हूँ। फिर इसके बाद मैंने आपसे बताया था कि CuCl किसकी दोस्तों? CuCl या फिर आप HCl को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देते हैं। कितना गर्म कर देते हैं दोस्तों? 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसा कि आपको पता है कि आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है C6H5Cl। ये दोस्तों क्लोरोबेंजीन का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है? क्लोरोबेंजीन का। तो यहां से आपको बनाना है इससे क्लोरोबेंजीन। तो इसी जब बेंजीन रिंग पर इसको दिखाएंगे तो ये हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन पर जब आप दिखाएंगे तो सीएल यहां पर लगा देंगे तो C6H5Cl हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि C6H5 तो इसी पर हो गया, एक एच इसका निकल गया, इधर सीएल लग गया। इसके बाद दोस्तों आपने क्या देखा? तो हमारे पास बचा क्या दोस्तों? ये एन और ये एन, दो एन हमारे पास बचे हुए हैं, तो प्लस में एन टू को बाहर कर देते हैं। प्लस में एन टू क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। तो ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और ये हमारा क्लोरो बेंजीन। तो लैब में, प्रयोगशाला में इसे इस प्रकार से बनाया जाता है। देख लेते हैं दोस्तों इसका सेकेंड मेथड क्या है, अन्य बनाने की विधियां। तो यहां से मैंने दूसरी जो हमारी अदर बनाने की विधियों में से है, फिनाल को पीसीएल के साथ गर्म करते हैं, यानी कि फिनाल को पीसीएल के साथ जब गर्म करते हैं तो भी हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है फिनाल से क्लोरो कैसे प्राप्त करोगे, फिनाल से क्लोरोबेंजीन, या फिर क्या होता है जब फिनाल को पीसीएल 5 के साथ गर्म करते हैं। तो यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए आप देख लीजिए इसे लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले फिनाल का जो फार्मूला होता है C6H5OH। क्या होता है दोस्तों? C6H5OH। तो आपको पता लग चुका होगा कि अगर हम इसे बेंजीन रिंग पर लिखते हैं तो किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ से हमारा जब इसे हम बेंजीन रिंग पर लिखते हैं तो इसे यहाँ पर OH लगा दिया जाएगा। तो ये हमारी हो गई बेंजीन रिंग। अब इसे जब PCl5 है तो इसे अगर मैं लिख लूँ PCl3 और इंटू भी यहाँ पर लगा दूँ Cl और यहाँ पर भी लगा दूँ Cl, तो क्या है? PCl5 ही तो है दोस्तों, दो सीएल ये और एक सीएल ये। अब यहाँ से होने क्या वाला है, बस आपको समझ लीजिएगा। ये वाला जो सीएल है इसके स्थान पर लग जाएगा तो ये हो क्या जाने वाला है? ये वाला जो सीएल है इसके स्थान पर लग जाएगा, तो यहाँ पर ये सीएल लग गया। जैसे ही यहाँ पर सीएल लगा तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया है। इसके बाद मैंने आपको बताया था जब भी कभी PCl5 को किसी भी के साथ रिएक्शन कराते हैं, चाहे वो फिनाल हो या एथिल अल्कोहल, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब आप क्लोरो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका क्या नाम है दोस्तों? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब भी कभी PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं किसी भी चीज से, यानी कि चाहे जो भी ले लें, फिनाल ले लें या फिर क्लोरो, कोई भी एनीवे केमिकल रिएक्शन हो, यदि आप PCl5 की रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहां POCl3 जरूर बनने वाला है। क्या बनने वाला है दोस्तों? POCl3।
ये तो 100% है दोस्तों। जब भी कभी आप PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो POCl3 अवश्य बनेगा। अब आपने क्या देखा, ये वाला जो O था ये इसके ऊपर चला गया यहाँ पर, तो इसका पूरा काम समाप्त, इसका भी समाप्त। इसके बाद हमारे पास बचा H, तो हमारे पास यहाँ से जब H बच गया है और हमारे पास यहाँ से एक Cl बच गया है, तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हमारा आगे क्या बनने वाला है। तो यहाँ से हमारे पास एक एच और एक सी एल बचा, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया दोस्तों, HCl। उम्मीद है ये रिएक्शन आपके समझ में आई होगी। जब भी कभी PCl5 से रिएक्शन कराते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन PCl5 से होती है, तो वहाँ POCl3 जरूर बनता है। इसके बाद मैंने यहाँ से ओ लगा दिया POCl3 बनाने के लिए, और मुझे बनाना था क्लोरोबेंजीन, तो मैंने बना दिया क्लोरोबेंजीन। फिर इसके बाद हमारे पास उधर HCl बचा, तो हम HCl बना दिया। किसी किसी की प्रॉब्लम होती है रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं, तो रिएक्शन बैलेंस करने का यही तरीका है। इधर Cl गिन रो 5 Cl है, तो यहाँ पर एक और तीन चार या 5 Cl है, यानी कि इधर Cl बैलेंस है। इसके बाद P इधर एक है, तो P इधर एक है, O इधर एक है, तो O इधर एक है। इसके बाद हमारे पास HB इधर एक है, तो HB इधर एक है, यानी कि ये पद दोनों आपस में बराबर हैं। बस रिएक्शन बैलेंस है। देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट। तो दोस्तों तीसरा मेथड ये है कि जब कभी आप बेंजीन को काहे को दोस्तों बेंजीन को क्लोरीन के साथ, मतलब अंधेरे में यानी कि प्रकाश की अनुपस्थिति में, काय में दोस्तों प्रकाश की अनुपस्थिति में, परंतु आयरन Fe की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन, ये बेंजीन हो गई दोस्तों। जब कभी आप क्लोरीन यानी Cl2 से करवाते हैं, वो भी प्रकाश की अनुपस्थिति में, प्रकाश की अनुपस्थिति में, और Fe आयरन की उपस्थिति में। तो ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, यहां पर एक Cl लग जाएगा, यहां पर एक Cl लग जाएगा। जैसे ही यहां पर एक Cl लगेगा, तो यहां पर एक H मुक्त होगा, मैंने पहले बताया था शुरू में, और इधर का एक Cl इधर लग गया, ये एक Cl बचा, और इधर से एक H मुक्त हो गया, तो यहां पर हमारा HCl बाहर हो गया। तो दोस्तों यहां पर आपको इनकी थ्योरी कैसे लिखनी है वो मैं बता देता हूं। जैसे कि आपको यहां पर इसकी थ्योरी लिखनी है, तीनों की आपको थ्योरी भी लिखनी है, तो आप कैसे थ्योरी लिखेंगे, जब हम बेंजीन को क्लोरीन के साथ प्रकाश की अनुपस्थिति में आयरन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ऐसा करने पर क्लोरोबेंजीन, ये देखिए क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है, क्लोरोबेंजीन है हाइड्रोक्लोर। अगर इसकी लिखना है तो आप कहेंगे, जब हम फिनाल को PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से प्रयोगशाला वाले की मेथड की विधि बता देना दोस्तों। मैंने तो इस वीडियो में थोड़ा स्पीड में रिएक्शनें करवाई हैं, उम्मीद है समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो, और नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।